सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विशु ट्यूटोरियल। तो गाइज, आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर वन लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें आपको VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो हमने इससे पहले 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिला हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों को करेंगे हम लोग। मतलब 2 केस बेस्ड क्वेश्चन करने का मतलब कि 2 टाइप्स के हैं, उनमें कुछ फर्दर सब डिवाइडेड भी हैं। तो बिना लेट किए आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो विशु ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ अगर चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना तो 6201901667 पे कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ए टू ई। यानी कि पैसेज आपको पढ़ना है और इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। खैर ये बोर्ड एग्जाम के तौर पर हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको भी 5 के 5 आंसर देना है। अगर आपको आंसर आएगा तो आप पहले कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज साथ में बने रहिए। देखिए, संजना इज सफरिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंट स्टोमक पेन एंड वोमिटिंग। संजना, ठीक है, साजन की कोई संजना है, वो क्या होता है, उसको एक फ्रीक्वेंट स्टोमक पेन है, ठीक है, पेट में दर्द है, किडनी उडनी में कहीं होगा अभी नहीं पता, बस पेट में इतना पता है, और वो वोमिटिंग भी कर रही है। सी वेंट टू द डॉक्टर। अब भैया जब पेट में दर्द है, वोमिटिंग हो रहा है, तो कहाँ जाएगी, डॉक्टर के पास। द डॉक्टर आस्क्ड हर टू गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड। और जो डॉक्टर है उसको क्या प्रिफर करता है कि जाइए और अपने स्टोमक का एक बार अल्ट्रासाउंड करवा कर आइए। इन द रिपोर्ट, जब रिपोर्ट आता है तो स्टोन वॉज फाउंड इन हर गैल ब्लेडर, तो उसके गैल ब्लेडर में एक स्टोन पाया जाता है। तो डॉक्टर आस्क्ड हर टू रिमूव द गैल ब्लेडर बाय द ऑपरेशन। और डॉक्टर उसे क्या बोलता है, पूछता है कि इसको ऑपरेशन करके हटाना होगा, बट सी वॉज रिलक्टेंट टू गो फॉर द ऑपरेशन। लेकिन वो चाहती है कि उसको ऑपरेशन ना हो, उसे थोड़ा ये होती है, घबराती है। तो क्वेश्चन क्या स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा पैसेज था। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है द रोल प्लेड बाय द गैल ब्लेडर इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो रोल है गैल ब्लेडर का, क्या काम है हमारे बॉडी में, गैल ब्लेडर में कहा था उसका स्टोन था, तो उसका मेन काम क्या है, ये हमारा ऑप्शन है, टू स्टोर बाइल्स, टू सीक्रेट बाइल्स, टू इमल्सिफाई फैट्स, या टू डाइजेस्ट फैट्स। तो अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आइए। हम लोग जानते हैं कि गैल ब्लेडर क्या करता है, आपको पहले गैल ब्लेडर का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कहाँ पे पाया जाता है। ये हमारा लीवर है, तो लीवर के जस्ट नीचे ये हमारा एक येलो कलर का, ठीक है, क्या हमारा एक गैल ब्लेडर है। तो जो गैल ब्लेडर होता है वो ऑर्गन्स है जो कि लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है, और लीवर जो है वो हमारा कौन सा जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस। जो बाइल जूस ये सीक्रेट करता है तो उसी को ये हमारा गैल ब्लेडर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। यानी उसका फंक्शन क्या है, गैल ब्लेडर को स्टोर करना। तो इसीलिए जो आंसर हो जाएगा हमारा, गैल ब्लेडर स्टोर बाइल्स। बाइल्स कौन सीक्रेट करता है, यानी कि द गैल टू स्टोर बाइल्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, हमारा लिवर के द्वारा स्टोर कौन करता है, गैल ब्लेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है रिमूवल ऑफ गैल ब्लेडर। अगर किसी ह्यूमन के बॉडी में से गैल ब्लेडर को रिमूव कर दे, हटा दे, तो क्या होगा। ऑप्शंस, अफेक्ट द पर्सन्स हेल्थ, पर्सन्स के हेल्थ को अफेक्ट करेगा, हैज नो इफेक्ट ऑन द पर्सन्स हेल्थ, पर्सन्स के हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ द सीक्रेशन ऑफ बाइल्स, बाइल के सीक्रेशन पर अफेक्ट पड़ेगा, या फिर इफेक्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, या प्रोटीन्स के डाइजेशन में अफेक्ट पड़ेगा। तो जानते हैं हम लोग कि बाइल का काम, सॉरी, जो गैल ब्लेडर है उसका काम क्या है, बाइल जूस को स्टोर करना। तो वो हमारे डाइजेशन और प्रोटीन में ना हेल्प करता है, बाइल सीक्रेट करता है लीवर, तो सीक्रेशन से उसका गैल ब्लेडर का कोई लेना है, क्योंकि कर रहा कोई और, उसका काम वहां से बन के आया यहाँ पे इसको स्टोर करना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच गया ये दोनों, अफेक्ट द पर्सन हेल्थ, हैज नो इफेक्ट ऑन द पर्सन हेल्थ। हेल्थ और डिजीज दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, हेल्दी इंसान और डिजीज फ्री, दोनों कहने का मतलब क्या है, अलग अलग है, ठीक है, जो कि आपको 9th क्लास में पढ़े होंगे। एक बीमार
पूर्वक यानी बीमारी फ्री होना, उसमें कोई बीमारी नहीं है, डिजीज फ्री है, और एक हेल्दी है, फिट है, उसका दोनों का अलग अलग मायने है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि हैज नो इफेक्ट, गैलब्लैडर से उसके हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, बाइल हेल्प इन डाइजेस्टिंग फैट, बाइल का काम क्या है, वो फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। गैलब्लैडर सिर्फ बाइल को स्टोर करता है और उसका कुछ काम नहीं है। जो लिवर होता है वो हमारा बाइल जो सीक्रेट करता है, इसलिए रिमूविंग गैलब्लैडर की वजह से कोई भी इफेक्ट उसके डाइजेशन पे पड़ेगा नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ द गैलब्लैडर हैज नो इफेक्ट ऑन ए पर्सन हेल्थ, इसलिए उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर टू होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स द बाइल फ्रॉम द लिवर, बोल रहा है विच पार्ट एलिमेंट्री कैनल्स का कौन सा पार्ट, ठीक है, रिसीव करता है बाइल्स को लिवर से। ऑप्शन स्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ऑसोफेगस, बताइए कौन रिसीव करता है। इसका अगर आंसर की बात कर लें तो जो आंसर होगा वो हमारा देखिए क्या है, बाइल कैसा होता है, तो बाइल इज अ डार्क ग्रीन या येलोइश ब्राउन फ्लूइड, ठीक है, विच इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन फैट, जो किसका यूज किया जाता है, फैट को ब्रेक करने के लिए इंटू अ स्मॉलर यूनिट्स, जो कि हमारा कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा बाइल जूस जो सीक्रेट हुआ, स्टोर हुआ हमारा कौन, स्टोर कौन किया, हमारा गैल ब्लेडर, लेकिन वो हमारा कहां पे जाके फंक्शन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट इन द इंटेस्टाइन, जो बाइल है हमारा बाइल जूस उसके अंदर साल्ट भी होते हैं, उसका फंक्शन क्या है, एक्टिवेटर ऑफ लिपेज या इमल्सिफायर होता है या कोफैक्टर होता है कोइल स्ट्रेस का या इनहिबिशन ऑफ लिपिड एब्जॉर्प्शन, अगर आंसर पता है तो ठीक है कमेंट कीजिए, अदरवाइज इसका आंसर देखिए। बोलता है बाइल जो होता है बाइल साल्ट को कंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है और बाइल एसिड को, ये चीज हमारे बाइल जूस के अंदर पाया जाता है। यह जो बाइल साल्ट है वो मेजर कंपोनेंट है, खास है हमारा बाइल का, जो बाइल साल्ट होता है वो ब्रेक करता है किसको, ग्लोबुल्स ऑफ फैट्स, जो फैट्स होता है उसको क्या करता है, उसको छोटे छोटे ग्लोबुल्स में तोड़ता है, ताकि इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ताकि एफिशिएंसी जो है एंजाइम का वो क्या हो, इंक्रीज कर जाए, और इसीलिए इसको कर सकते हैं, और इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन करने का मतलब क्या है कि अगर जो एंजाइम है वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है तो उसको फास्ट काम करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को, क्षमता को बढ़ाने के लिए जो हमारा इंक्रीज करने का प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर सेकंड इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, तो वो हमारे पास थे, हो गया। अब ये हमारा सेकंड, ये हमारा जो है डायग्राम बेस्ड आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द गिवन डायग्राम इज अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा क्या है, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, स्टडी करना है और कोई भी चार क्वेश्चन को ए से ई तक आगे क्वेश्चन मिलेगा उसको आंसर देना। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं, बताइए ए पॉइंट का क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं माउथ, क्या बोलते हैं, माउथ वोकल कैविटी, थोड़ी अभी नहीं बताएंगे, बताएंगे तो अभी आपको मे बी शायद इसी में का आंसर ही पूछ दे, आंसर आ जाएगा। तो जैसे जैसे होगा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कहता है हमारा, विच ऑफ दिस करेक्टली रिप्रेजेंट इन द लेवल ऑफ बी सी डी एंड ई, बी सी डी और ई को कौन सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पहले बी सी डी ई, तो बताइए बी क्या ऑसोफेगस है, आते हैं फिगर में, क्या बी ऑसोफेगस है, बिल्कुल ऑसोफेगस है, और लिखेंगे ऑप्शन, किसी भी बी में ऑसोफेगस नहीं है, यानी कि ये सब तो ऐसे पहले ही कट गया, यानी जो बच गया यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आंसर आ ही गया तो देख लेते हैं बाकी इसका डायग्राम भी। तो ये बी हमारा क्या है, ऑसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है,
लिवर, ये हमारा क्या है डी स्टोमैक, ये हमारा क्या है इसका नाम बताइए, ये जो लिव स्टोमैक के जस्ट नीचे है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं पैंक्रीज बोलते हैं, पैंक्रीज। और ये हमारा ये कौन सा इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, एफ हमारा क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके तो क्वेश्चन नंबर वन तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो आंसर था, आंसर हो गया कि बी ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑसोफेगस, लिवर, डी स्टोमेक और ये हमारा पैंक्रीज, ठीक है हमने पैंक्रीज ही बताया था ना। हाँ चलिए द सिक्रेशन ऑफ दैट इज रियली वैल्यूएबल सी इज, जो सी है वो कौन सा हमारा सीक्रेट करता है, आपको इससे पहले अभी बताया गया सी हमारा क्या है लीवर, लीवर कौन सा जो सीक्रेट करता है आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि लीवर हमारा कौन सा जो सीक्रेट करता है बाइल जूस, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था लीवर बता दिए। और क्या क्या हमारा गॉल ब्लैडर जो कि इसको स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात कर लें, पेप्सिन, पेप्सिन इंजन कौन सीक्रेट करता है स्टोमक सेल करते हैं, सेलिवा कौन सीक्रेट करता है सेलिवरी ग्लैंड करते हैं, गैस्ट्रिक जूस कौन सीक्रेट करता है स्टोमक करता है उसके जो सेल होते हैं, ठीक है तो इसका जो आंसर था वो हमारा क्या था लीवर के द्वारा कौन सा होता है बाइल जूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज बाइल हेल्प इन फैट डाइजेशन, जो हमारा बाइल जूस है वो फैट को क्या करता है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करने में, तो कैसे करता है देखिए, एक्चुअली में इसका काम क्या है बाइल का, रोल ऑफ बाइल इन फैट डाइजेशन, इट मेक्स द एसिडिक फूड अल्कालाइन, ये क्या करता है जो भी हमारे एसिडिक फूड होते हैं उनको अल्कालाइन यानी कि बेस में चेंज करता है, कैल्शियम टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम लिपेज ऑन इट, जब हमारा क्या करता है लिपेज सबको उसके ऊपर ये करने के बाद उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फैट को, फिर बाइल सॉल्ट, बाइल के अंदर जो सॉल्ट होता है वो ब्रेक डाउन करता है फैट्स को जो कि फूड में हमारे प्रेजेंट होते हैं, क्या में चेंज करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स फॉर एंजाइम्स टू एक्ट, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में यानी टुकड़ों में चेंज करता है और उसको फिर उसमें क्या करता है हमारा ताकि एंजाइम्स अच्छे से एक्ट कर सके, ठीक है सुने होंगे आईने के 100 टुकड़े करके हमने भी देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो देखिए ये था हमारा यहां क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन, जो डाइजेशन है फूड का वो कहां पे स्टार्ट होता है, आपको भी पता है जो वो हमारे माउथ में स्टार्ट होता है, अगर ऑप्शन में आपका माउथ रहेगा तो माउथ यानी कि ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर अगर वोकल कैविटी रहेगा तो वोकल कैविटी भी हम लोग कर सकते हैं, जो हमारा प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट कहां हुआ माउथ में हुआ, और कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है हमारा, तो जो कंप्लीट डाइजेशन है वो हमारा इसमें, इसका नाम क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन यहां पे होता है। एक जोक था आप लोग सुने होंगे, एक मुर्गा था, मुर्गा खाने का मतलब चिकन, ठीक है खाते होंगे चिकन बहुत सारे ओमनिवोरस होंगे, तो एक व्यक्ति के पास एक चिकन था जो कि उसको बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ था, वो थक गया था उससे क्या कि एक रूम में बंद किया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जो वो चिकन था बहुत ही जिद्दी था वो पीछे से निकल गया, फिर उसको पकड़ा, फिर उसके लिए एक केज लाया पिंजरा और उस पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन जो चिकन था वो तो जिद्दी था पीछे से निकल गया, लास्ट में परेशान होकर वो क्या करता है उसको कुक करता है पकाता है और पकाकर खा जाता है, खत्म बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चिकन था वो तो जिद्दी था फिर पीछे से निकल गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, इन केस ऑफ डायरिया, डायरिया क्या है, डायरिया कौन सी बीमारी है पता है, लूज मोशन का नाम सुने हैं,
उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं, ठीक है, एक्सेस लॉस जब होने लगता है हमारे बॉडी सबका, डिहाइड्रेशन है सब, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। विच मेजर प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस नॉर्मली इन रीजन एफ। एफ हमारा क्या था, एफ हमारा क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, एफ। तो बोल रहा है इसमें कि डायरिया के केस में कौन सा मेजर प्रोसेस हमारा प्लेस नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे इस प्रोसेस में हमारा एफ में इंटेस्टाइन में नहीं होगा। ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो हमने आपको बताया कि डायरिया में क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, एक्सेस वाटरी टूल्स स्टोरेज सब क्या होता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकलते हैं लूज मोशन सब में। उस केस में एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा वाटर का, वो तो हमारे बॉडी से निकल रहा है, ठीक है, वो हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर टू, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन केस ऑफ द डायरिया, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो, क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन करा लें, दो टॉपिक, तीसरे में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।